हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में आने वाली इस एरर एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग के बारे में। हम देखेंगे कि रैंक मैथ और वर्डप्रेस की कौन सी वो सेटिंग्स हैं जिनसे हम इसको हटा सकते हैं या फिर इनको हटाने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स में कौन से पेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पेज आ रहा है जिसका नाम है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो जैसे ये पेज ओपन हो गया, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि क्या ये नो इंडेक्स है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके व्यू सोर्स में जाएंगे। पेज सोर्स में जाने के बाद आप करेंगे कंट्रोल एफ एंड रोबोट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट क्या लिखा हुआ है, नो फॉलो नो इंडेक्स। तो ये नो इंडेक्स है। अब इसे सोल्व कैसे करना है, हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम साइट मैप सेटिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है इसका हम साइट मैप ओपन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका साइट मैप यहाँ पर ओपन कर लिया। अभी मुझे वो पेज फाइंड आउट करना है जिसके अंदर ये इशू आ रहा है, ठीक है। तो वो पेज कौन सा है, प्राइवेसी पॉलिसी। तो अभी साइट मैप में वो पेज है लेकिन वो नो इंडेक्स है। तो अगर देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, इफ़ यू डोंट वांट पेज टू बी इंडेक्स इट शुड नॉट बी इन साइट मैप। अगर आप नहीं चाहते कि आपका पेज क्या हो, इंडेक्स हो, तो वो साइट मैप में भी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारा पेज जो है वो नो इंडेक्स है लेकिन साइट मैप में भी है। मान लीजिए हम इंडेक्स करना चाहते हैं फिर तो साइट मैप में होना चाहिए, वो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो और फिर भी वो साइट मैप में आ रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमें इसको साइट मैप से भी हटाना होगा अगर हम नहीं चाहते, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, रैंक मैच की सेटिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइट मैप चेक हो गया कि वो साइट मैप में है या नहीं है, अभी वो है, ठीक है। अगर इंडेक्स चाहते हैं तो साइट मैप में होना चाहिए, दैट्स राइट। नेक्स्ट है रैंक मैथ की सेटिंग। अब रैंक मैथ की सेटिंग में जाने से पहले एक चीज़ आप देख लें कि वो जो पेज आप चेक कर रहे हैं क्या वो टैग तो नहीं है, क्योंकि टैग को हम इंडेक्स नहीं करते हैं। ये मैंने आपको पहले काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। क्या वो ऑथर आर्काइव तो नहीं है, अगर ऑथर आर्काइव है तो हम नहीं चाहते कि ऑथर आर्काइव भी इंडेक्स हो, ठीक है। लैंडिंग पेज मेड फॉर मार्केटिंग, क्या कोई ऐसा पेज तो नहीं है जिसको आपने गूगल ऐड चलाने के लिए बनाया था, क्योंकि अगर आपने गूगल ऐड वगैरह चलाने के लिए बनाया था, SEO के पर्पज से उस पेज को नहीं बनाया है, तो भी आप चाह सकते हैं कि वो पेज इंडेक्स ना हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप इंडेक्स भी करवा सकते हैं, बट कुछ केसेस में हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो, ठीक है। हम उसको डिलीट कर देंगे, थोड़े दिनों के बाद हम नया लैंडिंग पेज बना लेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए कोई ऐसा पेज है जिसे आप यूज़र को डायरेक्टली नहीं भेजना चाहते, मान लीजिए आपने किसी कोई पेज बनाया, उस पर कोई आपने ई बुक पब्लिश कर दी, तो वो आप डायरेक्टली तो किसी को नहीं उसको गूगल में तो नहीं दिखाना चाहेंगे, उस तरह के पेज या फिर थैंक यू पेज, इन पेजों को भी आप क्या गूगल में नहीं दिखाना चाहते। तो क्या वो पेज इन किसी कैटेगरी में फॉल तो नहीं कर रहा है, ये भी हमको चेक करना है, ठीक है। अब ये सारी सेटिंग हम चेक कहाँ करेंगे, सबसे पहले हम जाने वाले हैं रैंक मैथ में। रैंक मैथ में जाने के बाद आपको टाइटल एंड मेटा में जाना है, ठीक है। टाइटल एंड मेटा में जाने के बाद आप देखिए ग्लोबल सेटिंग क्या है, इंडेक्स। तो ग्लोबली सारे पेजेस पोस्ट सब कुछ हमने इंडेक्स किया हुआ है, बट इंडिविजुअली हमें चेक करना है कि वो इंडेक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अभी नो इंडेक्स आ रहा है लेकिन ग्लोबली हमने इंडेक्स चेक किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे होम पेज है, तो होम पेज की सेटिंग हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, रीडिंग में जाके। तो ये मैं अभी कवर करूँगा लेकिन इसको एक बार मैं छोड़ देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि वो ऑथर आर्काइव तो नहीं है, अगर ऑथर आर्काइव है तो उसको हम डिसेबल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे नो इंडेक्स है, ये ठीक है, लेकिन हमारा पेज ऑथर आर्काइव नहीं था, वो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था। मिसलेनियस पेजेस, कोई डेट आर्काइव जैसे पेजेस हैं, तो हमने तो आर्काइव को ही डिसेबल किया है। जब आर्काइव डिसेबल हो जाएगी तो वो इंडेक्स नो इंडेक्स का कोई इशू इसके अंदर होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो फिर आप यहाँ पे नो इंडेक्स करेंगे, बट हमने यहाँ पे इसको क्या हुआ है, क्या हुआ, डिसेबल किया हुआ है। पोस्ट, तो पोस्ट के अंदर आप जाएंगे, पोस्ट हमने बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा वो इंडेक्स या नो इंडेक्स, आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट रोबोट मेटा को ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने व्यू सोर्स चेक किया था, हमने क्या किया था, रोबोट्स में जाके चेक किया था, मेटा नेम क्या था, रोबोट्स, ठीक है। तो रोबोट्स मेटा को ऑन किया तो ये इंडेक्स है, ये सही है।
अब पेजेस को चेक करेंगे, पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या हैं हमारे पोस्ट मेटा रोबोट में जाएंगे, इंडेक्स हैं, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट कंटेंट कैटेगरीज हमारी क्या हैं, कैटेगरीज को चेक करेंगे, इंडेक्स हैं। टैग्स हमारे क्या हैं, टैग्स हमारे देखिए नो इंडेक्स हैं, और टैग्स तो हमारे नो इंडेक्स ही होने चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, ये एक मैंने साइट का एग्जांपल लिया जिसमें टैग्स हैं, तो वहाँ पर ये सारे यूआरएल्स आ रहे थे, जैसे आपके पेज इंडेक्सिंग में ये दो यूआरएल्स आ रहे हैं ना, उसी तरह से ये हमारे यूआरएल आ रहे हैं, तो टैग को भी हम क्या चाहते हैं, नो इंडेक्स, तो उसको हम सोल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सब चेक हो गया, लेकिन हमने क्या किया, हमने रैंक मैथ की सेटिंग चेक कर ली, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अब हमने वर्डप्रेस की सेटिंग चेक करनी है, तो वर्डप्रेस की सेटिंग में क्या होता है, देखिए कई बार जब हम नई साइट बना रहे हैं और वो डेवलपमेंट मोड में है, तो हम उसको रीडिंग वर्डप्रेस में सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे, इसको मैं लीव कर दे रहा हूँ, मुझे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो यहाँ पर इसको चेक किया हुआ है, जब ये चेक रहेगा तो आपके जो वेबसाइट का होम पेज और दूसरे मेन पेजेस जो अलग सारे पेजेस हैं वो क्या रहेंगे, नो इंडेक्स रहेंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, बट अभी मैं इसको इनेबल ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या चेक कर लिया, वर्डप्रेस सेटिंग, तो हमें वो प्रॉब्लम मिल चुकी है, मतलब हमारा ये जो पेज है ये नो इंडेक्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको रीडिंग में जाके डिस्करेज किया हुआ है, हमें रैंक मैथ की दूसरी सेटिंग्स में वो इशू नहीं मिला है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा, हमने रैंक मैथ की जो टाइटल एंड मेटा की सेटिंग्स हैं उसमें उस कैटेगरी में जाके उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें से भी और हम अपना जो वर्डप्रेस की सेटिंग में से भी आपको वो इशू नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, आप उस इंडिविजुअल पेज में जाएंगे बेसिकली, ठीक है। इंडिविजुअल पेज में जाने के बाद वहाँ पर जो रैंक मैथ की सेटिंग है उसको चेक करेंगे, तो वो रैंक मैथ की सेटिंग कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए ये वो पेज था मेरे, बाकी सब जगह से वो उसको मैंने इंडेक्स किया हुआ है मान लीजिए, तो मैं यहाँ जाऊँगा, रैंक मैथ पे क्लिक करूँगा और इस एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ चेक करूँगा कि वो नो इंडेक्स तो नहीं है। तो ये सब जगह पे आपने चेक करना है, यहाँ पर ये जो एडवांस का फीचर है ना, हो सकता है ये आपके रैंक मैथ में ना आ रहा हो, तो आप मेक श्योर करिएगा कि रैंक मैथ डैशबोर्ड पे जाइएगा और ईजी मोड या एडवांस मोड चेक कर लीजिएगा, अगर एडवांस मोड होगा तभी ये यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला है, ये वाली सेटिंग्स। मान लीजिए मैं इसको इजी मोड कर दे रहा हूँ और फिर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वो सेटिंग जो है विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको एडवांस मोड करके और फिर इसको यहाँ पर चेक करना है। एक चीज़ और हो सकता है कि आपके रैंक मैथ में ये पूरी जो सेटिंग्स हैं वो ही ना आ रही हो, तो उस टाइम पर आपको क्या मेक श्योर करना है कि टाइटल एंड मेटा में जाना है, तो ये हमारा पेज था, पेज की सेटिंग में आपको ये जो फीचर है ऐड SEO कंट्रोल, इसको ऑन रखना है। अगर इसको हमने ऑफ कर दिया, SEO कंट्रोल को ही ऑफ कर दिया, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रैंक मैथ, ये भी नहीं आएगा। तो मैं भी ये भी आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ कैसे होगा। तो ये देखिए, ये भी यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। तो अगर आपने इंडिविजुअल पोस्ट या पेज की सेटिंग चेक करनी है, तो मेक श्योर करिए कि आपने क्या किया हुआ है, SEO कंट्रोल को ऑन किया हुआ है और एडवांस मोड को भी डैशबोर्ड से ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने वर्डप्रेस की सेटिंग चेक कर ली और इंडिविजुअल सेटिंग भी हमने चेक कर ली है, तो इनमें से ही आपको इंडेक्स या नो इंडेक्स का पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और मैंने आपको बोला था शुरू में, कि अगर साइट मैप, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरा पेज इंडेक्स हो, तो साइट मैप में होना चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता कि वो इंडेक्स हो फिर भी साइट मैप में आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें उस पेज या पोस्ट को साइट मैप से हटाना होगा। ये कब हो सकता है केस, मान लीजिए मार्केटिंग का कोई पेज है आपका या थैंक यू पेज है, अब सभी पेजेस के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, इंडेक्स होना चाहिए, बट यहाँ पर हम नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो, ठीक है। तो अब हमने उसके पेज की इंडिविजुअल सेटिंग में जाके उसको नो इंडेक्स कर दिया। मान लीजिए ये इस पेज को मैं मान लेता हूँ कि मेरा मार्केटिंग वाला पेज था या थैंक यू पेज था, तो मैंने क्या किया, एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो मैंने इसको यहाँ से नो इंडेक्स कर दिया, बट आप देखेंगे कि वो पेज साइट मैप में है। क्यों है साइट मैप में, क्योंकि हमने साइट मैप की सेटिंग में उसको साइट मैप में रखा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, वैसे मैं साइट मैप में गया, साइट मैप में जब हम पेज में जाएंगे तो सारे के सारे पेजेस हमने साइट मैप में रखे हुए हैं,
तो उसको एक्सक्लूड कैसे करना है। एक्सक्लूड करने के लिए आप जनरल में जाएंगे और जनरल में जाने के बाद यहाँ पर उस पेज की आईडी डाल देंगे। आईडी कहाँ से मिलती है हमको, जैसे ये 3 नंबर जो है ना वो उसका आईडी है। तो मान लीजिए मैं उस पेज को नहीं चाह रहा था, तो यहाँ पर मैं उसका आईडी डालूँगा और उसको सेव चेंजेस कर दूँगा। तो ये हमने क्या किया, उसको साइट मैप से हटा दिया। तो आई होप आपको नो इंडेक्स फीचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर पेज या पोस्ट को हमें नो इंडेक्स से नहीं हटाना होता। हम जैसे टैग्स हैं उनको हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो नो इंडेक्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि किन पेजेस को आपने रखना है, किसको आपने हटाना है। लेकिन अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पेज नो इंडेक्स में आ गया है तो उसको आपने मेक श्योर करना है कि वो इंडेक्स हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में पूछिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।